राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हर दिन जांच के बाद ऐसी चीजें निकल कर सामने आ रही है जिसके बाद राज्य की सियासत में उफान उठ जाता है। और अब एक बार फिर NIA की जांच में ऐसी परतें खुली हैं जिसके बाद CM अशोक गहलोत ने BJP सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कहा है गहलोत ने और क्या खुलासे जाँच के दौरान हुए हैं, देखिए रिपोर्ट। देश के हालात इन दिनों बेहद ज्यादा खराब हैं। धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं और ऐसे में कन्हैया लाल मामले को BJP ने भुनाने की कोशिश की, क्योंकि मामला राजस्थान का था जहां कांग्रेस की सरकार है। BJP लगातार सवाल पूछ रही थी कि आखिर हिंदुओं पर हमले कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के शासन वाले राज्यों में ही क्यों हो रहे हैं। लेकिन जब घटना की NIA ने जांच की तो BJP खुद मुश्किलों में फंस गई है। जैसे जैसे NIA की जांच परत दर परत खुल रही है, वैसे ही BJP की मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि जांच में कन्हैया लाल मामले के आरोपी का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से पाया गया है। इससे पहले भी जांच में कई सारी चीजें ऐसी मिली थी जिससे साफ हो गया था कि आरोपी का रिश्ता BJP से है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि ये NIA की जांच का विषय है कि किस हद तक इसमें BJP का कनेक्शन है। कन्हैया लाल की जान लेने के बाद BJP नेता ने थाने में फोन किया था। इस मामले के मुख्य आरोपी के साथ BJP नेता गुलाब चंद कटारिया की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसके अलावा CM अशोक गहलोत ने इन तस्वीरों को लेकर कहा कि जांच एजेंसी को इनकी भी जाँच करनी चाहिए। जहाँ तक इस मामले की जाँच का सवाल है, राज्य सरकार जो कुछ कर सकती थी हमने किया है। राजस्थान सरकार ने इस मामले की जांच के लिए तुरंत SIT का गठन किया और जांच में NIA का पूरा सहयोग भी दिया है। और BJP इन मामलों में फंसी, लेकिन उन्होंने मुद्दों को भटकाने की कोशिश की क्योंकि BJP विपक्ष को खत्म करना चाहती है। DB Live की रिपोर्ट।